कैन होल्ड माई हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शिव शक्ति ऐसे हाथ ऐसे नहीं. अवार्ड गोज टू शिव शक्ति. जब भी मेरा कोई आई मेकअप करता है ना, मुझे हमेशा नींद आती है. मैं ऐसे ही बैठती हूँ हमेशा. हमारा हेयर कट भी चल रहा है यहाँ पे. नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं. क्यों ज्यादा काट रही है? Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Today we're going to do something very very exciting. I'm going to turn into a Muslim bride, which I'm very very excited about. But thoda sa difference hai, aaj main kuch bhi nahi karne wali hu, main bas aaram se baithne wali hu, and somebody else is going to do my makeup. I'm so excited, and let me just call her Pratishtha. We have been friends from very very long time, and she was in Mumbai, and we were like ki chalo kuch alag karte hain, and then we decided ki मैंने बहुत सारे अलग तरीके के नो शूट्स किए, बट आई हैव नेवर टर्न इनटू अ मुस्लिम ब्राइड. सो आई वाज लाइक लेट्स डू दिस टुगेदर. सो टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट एनी ट्यूटोरियल और समथिंग, बट हमने सोचा कि हम एक फन कर ही रहे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम शूट कर लेते हैं एंड शेयर विद यू गाइज. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो क्लीन योर फेस. तो इवन अगर हमने कभी फेस वॉश करा हो तो उसके बाद भी ये करना होता है कि नहीं? सो इट्स बेटर. सो द वाइप दैट आई एम यूजिंग, दिस इज इन्फ्यूज्ड विद टोनर. तो जब हम जब हम क्लीन करते हैं फेस को, तो हमारे पोर्स जो हैं वो थोड़े से ओपन हो जाते हैं, तो ये पोर्स को वापस टाइटन कर देता है. आप नॉर्मल टोनर भी लगा सकते हो, बट सिंस आई एम यूजिंग अ वाइप, तो ये जो बचा कुचा जो भी डर्ट होगा फेस के ऊपर वो भी निकल जाएगा और टोन भी हो जाएगा. और जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सो इट्स ईजियर. ऑल्सो यू गाइज डोंट नो, प्रतिष्ठा जो है वो ब्राइडल मेकअप करती है, तो मैं उनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एंड शी डज सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेकअप. जो भी मुझे बेसिक मेकअप आज तक आता है, आई हैव ओनली लर्न फ्रॉम हर, बिकॉज आई रिमेंबर दोज आर माई फर्स्ट मेकअप क्लासेस जो मैंने इनसे ली थी. एंड द बेस्ट थिंग, इफ यू वॉन्ट टू लर्न मेकअप ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट हर. शी इज़ रियली गुड एंड वेरी, आई थिंक दिल्ली पीपल के लिए यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट हर. दैट्स, आई थिंक दूसरों से मेकअप कराने का कुछ अलग ही मज़ा है. खुद से बस ऐसे बैठे रहो. कि बेटा मैं काफ़ी चीज़ें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. आई एम फर्स्ट टाइम बिकमिंग अ मुस्लिम ब्राइड एंड ऑल्सो अप्लाइंग लेंसेज, व्हिच आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ. आई एम वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड. दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, बिकॉज मैंने कभी लेंस कभी भी नहीं, तो मुझे डर लग रहा है. यू कैन होल्ड माई हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शिव लगती है हाथ ऐसे नहीं. लग गया. ये इट्स मैचिंग. अब ऐसा हो अगर एक में लग गया और दूसरे में नहीं लगा तो कैसे नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. ये अवार्ड गोज टू शिव शक्ति. जब भी मेरा कोई आई मेकअप करता है ना, मुझे हमेशा नींद आती है, क्योंकि मुझे ये जितने भी वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके हाथ इतना लाइट होता है और सॉफ्ट होता है. तो ऐसे जितना भी मैं ज्ञान आप लोग को दे रही हूँ, मैंने यहीं से सीखा है. डू लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राइड्स, लाइक कश्मीरी, पंजाबी और ये सब, तो यू नो इज द मेकअप डिफरेंट और व्हाट इट इज़ लाइक? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पंजाबी वेडिंग्स में इट्स लाइक मोर ऑफ अ हैवी मेकअप, बट बाकी सब लोग होते हैं ना, वो लोग काफ़ी बेसिक मेकअप करते हैं. स्पेशली इफ यू सी वाइट वेडिंग्स एंड ऑल, उनका तो काफ़ी लाइक बेसिक मेकअप होता है. सो मेकअप कैसा होता है वो तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन द ब्राइड, डिपेंड्स ऑन द मेकअप आर्टिस्ट कि क्या लुक क्रिएट करना है एंड व्हाट आर दे कंफर्टेबल विद. सो आई ऑलवेज टॉक टू माय ब्राइड्स, व्हाट काइंड ऑफ लुक डू दे वांट. बट देन समटाइम्स व्हेन वी सी पिक्चर्स वी फील कि यार ये चीज़ हमारे पे बहुत अच्छी लगेगी, बट दैट यू नो जरूरी नहीं कि सब पे जो अच्छा लग रहा है वो हम पे लग रहा है. सो डू यू ऑल्सो गिव देम सजेशंस लाइक व्हाट विल लुक नाइस ऑन देम? लाइक आई पर्सनली फील व्हेन आई डू लाइक टू मच हैवी वाला मेकअप ना, इट डजंट सूट मी दैट मच. कभी कभार आप किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो या आपको पता नहीं होता है आपको क्या सूट करेगा, दैट इज़ वेयर यू नो द रोल ऑफ मेकअप आर्टिस्ट कम्स और द स्टाइलिस्ट कम्स. स्टाइलिस्ट का काम यही होता है आपको बताना कि आप पे क्या सूट करेगा या नहीं करेगा. सेम इज़ विद मेकअप आर्टिस्ट. मेकअप स्टाइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. यू नो वॉट, एवरी टाइम इफ माई फ्रेंड एनी फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड नो, आई टेल देम कि वेडिंग में ना क्लोथ्स जस्ट डजंट मैटर, इज जस्ट द मेकअप एंड द फोटोग्राफर, लाइक मेकअप है फोटोग्राफर और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है.
एक सीधी लाइन ही नहीं आती है, आई हैव नेवर डन लाइनर. मैं बताया करती हूँ लाइनर करके ना उसको, रिमेंबर यू टॉक मी, तो स्मोक अप करती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो लाइनर है, बट मुझे आता ही नहीं है लाइनर करना. ऑल्सो बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ वीडियोज आई डू, आई वॉन्ट टू डू अ वेरी रिलेटेबल मेकअप. एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ऑन एवरी डे बेसिस समबडी डज कलरफुल आई शेडोज या फिर यू नो बिग बिग लाइनर्स, वैसे मुझे नहीं लगता. पर पता नहीं, ओके आई लव लव दिस प्रोडक्ट, लिटरली आई टेल एवरीबडी टू यूज दिस, इतना मुझे पसंद है. मुझे ये वो बॉबी ब्राउन का जो क्रीम आता है ना, उससे बेटर लगता है मुझे ये एक्चुअली है भी काफ़ी अच्छा. बट बॉबी ब्राउन का अपना रोल है, इसका अपना रोल है. बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, दिस वर्क्स वेरी गुड फॉर मी, लाइक वेरी हाइड्रेटिंग, और इसे अच्छा से ना अंदर से ग्लो आता है, फील आता है. इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट्स वेरी गुड फॉर मेकअप, बिकॉज मेकअप से कभी कभी स्किन ड्राई ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये बिल्कुल भी मेकअप को केक ही नहीं होने देता है. अभी तो यू आर नॉट रिलैक्स्ड, वो पता लग रहा है. मैं ऐसी बैठती हूँ हमेशा. अच्छा, डूइंग फाउंडेशन एंड वी यूजिंग दी शार्लेट टिल्बरी वन, राइट? यस, I love this one. Even if you're doing bridal look, I think it looks, feels nice. It feels very light on the face. Well, the conversation, you met Katrina, yeah. And how was it and all of that? So when I met Katrina, okay, so there was a time when I was actually, मैं यशराज की एक movie करने वाली थी, जिसमें वो movie actually बनी नहीं, तो उसमें है ना मैं Katrina का बचपन का character play कर रही थी, and okay. I used to love Katrina that time, मतलब अभी भी, but I have more favorite actresses now. तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड, और उसमें ना उस रोल में ना मुझे साइकिलिंग करनी थी एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. सो आई डोंट नो, दैट मूवी नेवर हैपेंड. एंड व्हेन आई मेट हर पर्सनली इज सो प्रिटी, एंड देन आई ऐसा होता ना कि इवन दो मैंने इतने साल एक्टिंग किया, बट फिर भी आप कभी कभी एक्टर्स को देखिए ऑल स्ट्रक नहीं रह जाते. वैसे आई टोल्ड हर यू नो आई वाज सपोज टू प्ले आपका वो रोल, एंड देन शी रिमेंबर्ड दैट फिल्म. अच्छा, बिकॉज मैंने उनको बोला कि वो नहीं बनी थी, तो शी लाइक या आई रिमेंबर दैट डिडंट हैपन. एंड Yeah, it was fun. थोड़े ख़राब पल भी मैंने देखे हैं, बट आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट. लाइक थ्रू अ कपर ये होता है कि कभी कभी दूसरी जगहों पे निकल जाता है, इसलिए सबका एक्सपीरियंसेस ना बहुत डिफरेंट रहते हैं. लाइक आई मेट फ्यू पीपल जिनके बारे में वो बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं, एंड आई एम लाइक अच्छा ऐसा है. जब मुझे, अब मुझे ऐसे फील होता है कि यार मे बी दे वर जस्ट हैविंग अ बैड डे, यू नो. पहले मैं जैसे लोग थोड़ा जज कर लेती थी, लेकिन अब आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों कर रहे होंगे. लाइक व्हेन यू गो आउट कभी ऐसे घूमने जो हो चौपाटी एंड ऑल, तो पीपल कम टू यू एंड लाइक फोटो चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. सो व्हेन आई यूज्ड टू डू टीवी, लाइक अ लॉट ऑफ टीवी दैट टाइम दे यूज टू कम. एंड अभी मैं यूट्यूब करती हूँ, तो भी अब पता है अब ऐसा होने लग गया कि जब मैं जाती हूँ तो लोग कहते हैं ओ वी सी योर यूट्यूब वीडियोस, व्हिच मेक्स मी रियली हैप्पी. Of course, मेरी acting journey की वजह से, you know, I have so many people on YouTube. But then now I really feel good when people say कि यार they have seen my YouTube video or if some of my videos have helped them. But yes, maximum जो लोग होते हैं उन्होंने मेरे shows देखे होते हैं. अब हम लगा रहे हैं लैशेस. यार मुझे बहुत पसंद है जब लैशेस लगाते हैं, पर मुझे खुद से नहीं लगाई जाती. खुद से लैशेस लगाना डिफिकल्टी तो है ना, ऐसे ऑन करके लगानी पड़ती है. बहुत इजीली लगा लेते हैं, किया और लग गया. वो प्रैक्टिस से तो देखो आ ही जाता है. पर प्रैक्टिस क्या मतलब, लॉकडाउन में घर बैठ के मैं रोज लैशेस लगाओ. आज मैं फ्री हूँ या आज मुझे मेकअप करना है, मैं लैशेस लगाती हूँ. आज खाना खाना है, लैशेस लगाती हूँ. कंसीलर्स या टू कंसीलर्स, TWO वाला या TWO वाला? नहीं, two different, like first they put the darker one and then they put the lighter one. Yeah, for highlighting. I also did that. I generally like to stick to the skin tones, but with you right now because you're doing a Muslim bridal look, मैं हल्का सा tone को थोड़ा brightened रखा है. अच्छा. इतना नहीं रखा कि पता लगे, but just like real में भी नहीं समझ में आ रहा है. हल्का सा brighten रखा है. आपको जैसे contour लगा रहे हो ना आप, आपको ब्लश वैसे लगाना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू लिफ्ट योर चीक बोन्स. हां, दैट्स व्हाट दिस न्यू थिंग नो, दैट यू ओनली हैव टू अप्लाई द ब्लश फ्रॉम हियर टिल हियर, या नॉट ऑन द एप्पल ऑफ द चीक्स. बट आई फील अगर मैं एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाती हूं मैं अच्छी नहीं दिखती. एप्पल ऑफ द चीक्स पे आप लगा सकते हो, बट इट शुड बी वेरी मिनिमल. इफ यू वांट रेस्ट ओवर, हां रेस्ट ओवर, बाकी आप पूरा लिफ्ट. चेहरा एकदम ऐसे गोल है, क्या ही लिफ्ट ओवर. ओपन योर आईज. Now I feel I can be a difficult bride. See, you cannot do makeup in this setup when you're getting ready for your wedding. This is not the setup. You need a proper chair to sit back. And like sit back. Yeah.
to do highlighters on the apples of the cheeks so that, you know, when you smile, your cheeks are all lit. But then, if someone has open pores, they should not be doing it. Yes, then obviously no. It's nice, nice. I'm glowing. Yay. दो मिक्स किए मैंने. नेक्स्ट टाइम हम ना अलग अलग ब्राइड्स करेंगे. अच्छा ठीक है, अभी आप पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम मतलब बंगाली. ऐसे करके सारी ब्राइड्स करेंगे. यस डन. ओह या, मेकअप इज डन. ये रियली लाइक, रियली रियली लव माय मेकअप. Final look and I absolutely love my look. I'm so excited. मतलब I am so excited for you guys to watch this. I really hope that you guys like this video. और अभी ईद भी आने वाली, तो काफी helpful हो जाएगा सबके लिए. And for hair, makeup, everything, all the product details, everything will be given in the description box below. And अगर आपको bride girl ready होना है, definitely contact her. She's gonna make you look so beautiful. Okay, please give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, and we will see you very very soon with some other, you know, हम ऐसे कुछ plan करेंगे कि हम ऐसे पूरा bridal look करें इसमें. नहीं, don't reveal it. Okay, that's we're not revealing it. We'll do something together for sure, and we'll see you in the next video. Bye bye.